दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं और आप लोगों के लिए फिर नया चीज लेकर के आया हूं, क्योंकि हालांकि ये तो मैं रोज ही खाता हूं, आप लोगों के लिए नया इसलिए कि कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए लेके आया हूं। आज ये हरे चने, इसमें बाजार में आपको आसानी से मिल जाएंगे हरे चने, और इसे कैसे खाना है वो पूरा तो आपको बताना चाहूँगा। इसमें हमने क्या क्या डाल रखा है, देखिए आपको दिख ही रहा होगा, हरे चने हैं, इसमें बारीक कटे हुए प्याज, छोटे छोटे टमाटर और नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च। हालांकि इसमें अगर डालना चाहें तो बहुत से इंग्रेडिएंट आप और डाल सकते हैं, मूंग की दाल वगैरह अगर आप रात में भिगो दें, थोड़ा सा बादाम डाल दें तो ये और भी हेल्दी हो जाएगा। इसे हमने सब एक बराबर काट लिया है, तो अब इसको बराबर से पहले मिलाएंगे, क्योंकि कहीं कम ज़्यादा हो गया तो टेस्ट में खराबी हो सकती है। तो अभी देखिए हमने जैसे मूली डाला है, आप लोग वैसा मूली ना डालें, क्योंकि मैं तो थोड़ी पीसी हुई हूँ एकदम, ये देखिए घिस करके मैंने मूली डाली है ताकि बारीकी से पूरा जाए, और आप चाहें तो मूली थोड़ी छोटी छोटी काट सकते हैं। टमाटर भी हमने बहुत महीन काट रखे हैं, तो अपना अपना तरीका है, जिसको जिस तरह से पसंद हो। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है और शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आप लोगों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि आप लोग काम के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं, अगर आपने सुबह इसको आपने आधी कटोरी भी खा ली, इसमें जैसे मैंने बनाया है तो ये लगभग 2 लोगों के लिए बहुत है, लेकिन मैं इसे अकेले ही पूरा खा जाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा अधिक ही पसंद है ये हरा चना। इस सीजन में आपको आसानी से मिल जाएगा, आप लोग जाइए बाजार से हरे चने लाइए और इसका सुबह नाश्ता ज़रूर करें। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं। अभी से चाहूँगा कमेंट करके मुझे बताएं कौन कौन सुबह सुबह हरा चने खाता है, और ऐसे पूरा अपने से बना कर जो खाते हैं वो तो मुझे ज़रूर बताएं, वो क्या क्या डालते हैं मुझे भी कुछ बताएं नया, तो मैं भी उसको ऐड कर लूँगा और अपने डाइट में शामिल करूँगा। तो मैंने फुल चम्मच ये ले लिया है और उस पर सारे चीज़ें, अब देखते क्या होता है। मैंने सिर्फ इसमें एक मिर्च डाली है, तो मिर्च ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं बिना मिर्च के नहीं खा पाता, तो आप लोग बताइए आप लोग मिर्च डालते हो कि नहीं डालते हो। मैं टेस्ट के लिए, हालांकि मेरे पास बहुत सी चीज़ें थी मैं उसको डालता, लेकिन मुझे गाजर इसमें डालना नहीं पसंद आता, कुछ लोग डालते हैं शलजम वगैरह, तो मुझे सिंपल से चना, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची अच्छी लगती है, और बिना टमाटर के मुझे लगता है कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगती मुझे। वाह। और इसे खाने के लिए सबसे तरीका बता दूं आपको, ऐसा नहीं बस दिया चम्मच जो खाया और गटक लिया, नहीं, बहुत ही आराम से एक एक चम्मच का स्वाद आपको उसमें लगभग 1-2 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि इसे कुछ कुछ कर खाना होता है, तभी आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा रहता है और आपके फायदे में भी आता है। तो चने का सेवन रोज करें और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी स्वाद इसका। अच्छा, दोनों चने में अंतर है ये, क्योंकि वो जो चना होता है, जो काला चना आप जो खाते हो, उसमें और इसमें बहुत अंतर है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो, और आप लोग क्या अपने हाथों से इसे बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं या किसी से बनवाते हैं। मुझे तो खुद से बनाकर खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है।